ऊंचे मुंह खोले शिकार करने को तैयार बैठी मौत, और ऊपर से राम भरोसे इस लकड़ी के टुकड़े के सहारे आर पार होती जिंदगियां देखिए। आधुनिक जमाने का अस्थाई पुल, पुल भी काहे का, इस पुल का नाम देना तो पुल की भी बेइज्जती होगी। लेकिन पता चले कि ये हालात पर्यटन नगरी कुल्लू के हैं, तो शर्म को भी शर्म आ जाए। सरकारों को ना जाने क्यों नहीं आती, ये हालात है कुल्लू के 600 लोगों की आबादी वाले परशेणी के पुलगा गांव के, जहां पिछले 5 साल से पुल बन रहा है लेकिन ये आज तक नहीं बना। ग्रामीण हो या टूरिस्ट, यहां मौत से आंख बिचोली करते हुए नाला पार करने को मजबूर है। मैं रविंदर कुमार, प्रधान ग्राम पंचायत परशेणी। अभी मैं किसी काम से पुलगा गांव गया हुआ था। गांव से अति बार पुलगा गांव का जो नाला है, जहां पुल का निर्माण किया जा रहा है, 3-4 सालों से यहाँ काम चल रहा है, लेकिन वो पुल का निर्माण अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। पूर्ण किस कारण नहीं हुआ है, ये लोक निर्माण विभाग से मैं गुजारिश करूंगा कि इस ब्रिज को जल्द से जल्द तैयार किया जाए, ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा मिले। और अभी आते आते मैंने वहाँ पर जो देखा, जिगराई नाला नाम है, और जिगराई नाला में गर्मियों में जैसे ऊपर बर्फ पिघलती है तो वहाँ पर जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वह टेम्परेली जैसे गाड़ियों को क्रॉस करने के लिए बनाया गया है, और आदमी को क्रॉस करने के लिए तो अब है ही नहीं। और मैं चाहूँगा कि प्रशासन या हमारी सरकार से गुजारिश करूँगा कि इन लोगों के लिए, हमारे गांव पुलगा के लिए आने जाने के लिए जल्द से जल्द इस पुल का निर्माण किया जाए, और वहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ आने वाले समय में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा लोगों को। स्कूल के बच्चे भी वहीं से आते हैं, लेकिन अभी हमने वहाँ खड़े बैठकर भी बच्चों को वहाँ से दूसरे रास्ते से भेजा हुआ है। वहाँ से आदमी क्रॉस करने के लिए बिल्कुल रास्ता नहीं है, पानी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और टूरिस्ट भी बहुत आर पार क्रॉस कर रहे हैं। हमने अभी भी हिदायत दी हुई है जाके टूरिस्ट को कि यहाँ से ना जाए, आप दूसरा रास्ता जो पुलगा गांव का लिए हैं वहाँ से जाएं। अभी टैक्सी यूनियन ऑपरेटर जो परशेणी है, अभी मैं उनसे मिल के आया हूँ, जो भी टूरिस्ट आपकी टैक्सी में आते हैं पुलगा गांव के लिए, उनको जो है दूसरे रास्ते से, उसी ब्रिज के नीचे एक और रास्ता है, वहाँ से उन टूरिस्टों को जो है वहाँ छोड़ दें दूसरे रास्ते, ताकि ऊपर जो खतरनाक रास्ते हैं, रास्ता है खतरनाक, जो पानी बढ़ा हुआ है, वहाँ से ना भेजा जाए। और आपके माध्यम से टूरिस्ट के लिए लोगों को भी बताना चाहूँगा, रोज़ शाम के समय जो ये पानी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसे थोड़ा घूम के जाएँ, ताकि सभी लोग अच्छे से सुरक्षित रहे। मैं चाहूँगा कि वहाँ से ज़्यादा खतरा ना मोला जाए, क्योंकि देखते ही वहाँ पर जो है पानी का जलस्तर 2 बजे के बाद ऊपर बढ़ जाता है। सुबह में तो वहाँ पर मशीनें लग भी चुकी थी, लेकिन उस काम का कोई फायदा नहीं होता है कि वो काम दिन को करते हैं, शाम को फिर पानी भरकर चला जाता है, क्योंकि उसका पूर्ण रूप से पर्याप्त जो है एक सही सोल्यूशन नहीं है वहाँ पर निकाला जा रहा। वैसे ही कुछ कलबट लगा के कुछ पानी को डाइवर्ट करके गाड़ियाँ क्रॉस करने के लिए बनाते हैं, लेकिन अब गर्मियों में बरसातों में वहाँ पर जो है उसका जल स्तर बढ़ने से जो वहाँ से गाड़ियों को क्रॉस करना, आदमी को क्रॉस करने के लिए बहुत दिक्कत है। इसीलिए मैं सरकार से, प्रशासन से, लोक निर्माण विभाग से गुजारिश करता हूँ कि इस पुल का निर्माण जल्द से जल्द किया जाए, ताकि लोगों को दिक्कत का सामना न करना पड़े। धन्यवाद। दरअसल पुलगा गांव को जोड़ने वाले पुल का निर्माण कछुए की चाल से चल रहा है और इन दिनों रुका है। बरसात लगभग शुरू है, ऐसे में एक बार फिर ये मान लीजिए कि काम बरसात में नहीं होगा। लोगों को समस्या ये है कि ये बरसात फिर जान जोखिम में डालकर निकालनी होगी। गर्मियों में पहाड़ों पर बर्फ पिघलने से नदी नालों का जलस्तर बढ़ता है, तो ये नाला भी उफान पर होता है। लिहाजा इन लोगों ने प्रशासन और सरकार से जल्द पुल बनवाने की मांग की है। पंजाब केसरी के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kstreet।